साहस सरोकार। भानुप्रतापपुर में प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन, सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को किया संबोधित। बिलासपुर में जिले के सरपंचों ने किया विरोध प्रदर्शन, जिला पंचायत सीईओ को हटाने की रखी मांग। कोरबा में शासन ने उठाया कड़ा कदम, बालिकाओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुर। जांजगीर चांपा में अपराधियों के हौसले बुलंद, चोरों ने तीन बार मंदिर में की चोरी। महासमुंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशीली दवाएं बेचने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। भानुप्रतापपुर में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की ओर से आखिरी जनसभा का आयोजन किया गया। तो वहीं जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, साथ ही जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तापस हमसे जुड़ेंगे। तापस, भानुप्रतापपुर में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। जी मर्जी, आपको बता दूं आज अंतिम दिन था भानुप्रतापपुर के चुनाव का। इसमें सारी पार्टियां अपना पूरी ताकत लगाकर आखिरी प्रचार प्रसार किए हैं, जिसमें आज हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी अपनी पूरी ताकत लगा दिए और सावित्री मनोज मंडावी के पक्ष में मतदान करने के लिए जोर लगा दिए हैं। भानुप्रतापपुर चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही जोर दिख रहा है। तो सर, आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी है अकबर कोराम है, शायद वो कुछ खेल बिगाड़ सके। धन्यवाद आपस तमाम जानकारियों के लिए। कोरबा में राज्य शासन की ओर से महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जो कि उनके सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। विशेष प्रोग्राम बालिकाओं के लिए, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये पूरे राज्य के जिलों में, ये सभी जिलों में ये कार्यक्रम रखा गया है, जो ये 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ये एक महीने का प्रोग्राम है। इसमें बच्चे लोग को आत्मरक्षा कैसे किया जाए, सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं, और हमें ये इनको सिखाया जाता है कि हमको पंच कैसे मारना है, ब्लॉक कैसे करना है, किक कैसे मारना है, काता कैसे करना है, ये सब सिखाया जाता है, ताकि आप एक अच्छा ट्रेनर बन सके, कोच बन सके भविष्य के लिए। बिलासपुर के जिला पंचायत कार्यालय में जिले के सैकड़ों सरपंच ने जिला पंचायत सीईओ को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं सरपंचों का कहना है कि सुस्त कार्यप्रणाली के चलते और सरपंचों से गलत व्यवहार करने के चलते सभी सरपंच जिला कलेक्टर में एकत्रित हुए हैं और जिला पंचायत सीईओ को हटाने की मांग को पूरी न होने पर सारे सरपंचों ने हड़ताल पर जाने की भी बात कही है। जांजगीर चांपा में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
तीन दिन में दूसरी बार चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया। 29 नवंबर को कोतवाली थाना के खोखरा गांव के शीतला मंदिर में आभूषण और नगद राशि ले जाने के बाद आरोपियों ने जिला मुख्यालय के प्रसिद्ध नहरिया बाबा मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि कोतवाली पुलिस ने नहरिया बाबा मंदिर परिसर के हुए चोरी के संदेही को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। महासमुंद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 23,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। आरोपी बलराम साहू पटेवा क्षेत्र में ओम साई साइकिल स्टोर संचालित करता है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को मेडिकल स्टोर से गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। हमारे टीम के द्वारा जिसमें एसपी साहब और एसडीओ की और जो हमारी हाईवेल की टीम है, इसके द्वारा नशीली प्रतिबंधित दवाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमारे द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पटेवा से, जिसके पास 9,800 के करीब नशीली प्रतिबंधित दवाएं पाई गई हैं। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है और उसको पैसे बेच रहा था। एमसीवी जिले के निरीक्षण में पहुंचे आईजी रामगोपाल गर्ग ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आईजी ने अपराध पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं और नक्सल समस्या को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाने को भी कहा। तो वहीं आईजी नवगठित जिले के निरीक्षण में सरगुजा पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के साथ थाना प्रभारियों की बैठक की, जिसमें निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर अधिक से अधिक कार्रवाई करने को कहा गया। तो इसी को लेके एसपी साहब के मार्गदर्शन में ये थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो अवैध कार्रवाई या अवैध जो कारोबार है वो ना चले और अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। मनेंद्रगढ़ में मध्य प्रदेश के नीमच से आरोपी को पकड़कर वापस ला रही पुलिस टीम का वाहन जबलपुर के पास कुंडन में अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटनास्थल पर वाहन चालक की मौत हो गई और कोतवाली प्रभारी सचिन सिंह, एएसआई दिनेश चौहान, प्रधान आरक्षक और आरक्षक घायल हो गए। साथ ही एएसआई दिनेश चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं घायल पुलिस कर्मियों का इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जारी है। सरगुजा के सीतापुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन दिनों अपने विभागीय कामकाज कराने के लिए असमर्थ नजर आ रहा है और आर्थिक तंगी के बीच जूझ रहा है। वहीं पूरे मामले में एसडीओ ने बताया कि उन्होंने अपने विभाग के विभागीय कामकाज के संचालन के लिए 2,00,000 का डीजल और 3,00,000 किराए में वाहन लिए थे, जिसका भुगतान काफी दिनों से लंबित पड़ा है और वरिष्ठ कार्यालय इसके लिए कोई फंड जारी नहीं कर रहा है, जिससे विभागीय कामकाज ठप पड़ा है, जिससे उन्हें और उनके कर्मचारियों को विभागीय कामकाज करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो हमने गर्मी के दिनों में हैंडपंप सुधार विशेष अभियान चलाते हैं, उसमें वाहन किराया में लगाते हैं और डीजल भी उधार में लिए हैं। डीजल जो है 2,00,000 लगभग उधारी में है, वाहन किराया 3,00,000 लगभग उधारी में है, तो अभी तक हमने भुगतान नहीं किया है और ऊपर डिवीजन लेवल पे हमने बिल भेजा हुआ है। सटोरिया के खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं पुलिस ने ऑनलाइन महादेव ऐप के जरिए सट्टा खेल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बालको थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके पास से 2,00,000 रुपए नकदी रकम और 7,00,000 रुपए की बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में जिले के सटोरिया में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के हाथ लगे 7 सटोरी ऑनलाइन महादेव ऐप के जरिए खेला करते थे, जिसमें 2,00,000 नकदी और 7 मोबाइल जब्त किए गए हैं। रेड किया गया, रेड के दरमियान सिविक सेंटर एरिया बालको में 4 जुआड़ी अपने मोबाइल से महादेव ऐप का सट्टा पट्टी लेकर सट्टा खिला रहे थे, जिसके कब्जे से 4 नग मोबाइल, 1,54,000 रुपये नकद जब्त किया गया। इसी दरमियान
सिविक सेंटर के अलावा पुराना बस स्टैंड बालको क्षेत्र में भी 3 जुआड़ी से 3 मोबाइल 93,000 नगद जब्त कर उनके विरुद्ध सट्टा पट्टी का कार्रवाई किया गया है। आगे भी इसी प्रकार जैसे सूचना मिलेगी अवैध कारोबार निजात अभियान के तहत अवैध दारू शराब गांजा विक्रेताओं के विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ में कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की और अस्पताल में स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र और ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किया। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र में युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। थाना मनेन्द्रगढ़ में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 384/22 में, जिसमें 354 का आईटी एक्ट और 384 की धारा अलग हुआ है। उसमें प्रार्थी के साथ में मतलब छेड़छाड़ और उसके साथ साइबर संबंधी अपराध हुआ था, जिसके आरोपी जो है नीमच मध्य प्रदेश में रहने वाला निवासी था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा मनेन्द्रगढ़ के TI थाना प्रभारी सचिन सिंह के नेतृत्व में जो एक SI एक प्रधान आरक्षक 2 आरक्षक के साथ में टीम रवाना हुई थी। आरोपी को पकड़ लिया गया और जब वापसी के दौरान जबलपुर के पास में प्रातः सुबह 5 बजे के आसपास में उनकी जो वाहन से गए हुए थे कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दुखद रूप में जो वाहन चालक है उसका देहांत होना पता चल रहा है और साथ में जो जितने भी हमारे स्टाफ गए हुए थे वो घायल हैं और साथ में जो आरोपी है उसको भी चोट लगने की सूचना प्राप्त हुई है। मुंगेली में SBI बैंक के ATM में गोली चलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि ATM में तैनात गार्ड से गलती से गोली चल गई, जिसके बाद गोली चलने से गार्ड के हाथ गंभीर रूप से चोट आ गए, जिसके बाद गार्ड को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के SBI शाखा का। हमारे टीम के द्वारा जिसमें SP साहब और SDOP और जो हमारी साइबर की टीम है, इसके द्वारा नशीली दवाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत हमारे द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पटेवा से, जिसके पास 9,800 के करीब नशीली एवं प्रतिबंध दवाएं पाई गई हैं। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है और उसको कुछ पैसे बेच रहा था, उसको कुछ पैसे भी इससे प्राप्त हुए। खबर हसौद तहसील क्षेत्र से है, जहां ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम पर सुधार करने के बदले महिला से 30,000 रुपए मांग करने की शिकायत है, जिस पर अब तक कोई जांच नहीं हुई है। महिला ने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट से भी की है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हम उठा देवी चंद्रा कुट्रा बोर्ड के हमें और पटवारी के कर गे रहे मैं कि मोर खाता में जो पर्ची में और स्टाम्प में और रकबा नंबर वो निकलवाए कहीं हूल निकलवाए वो सब में मोर नाम सही है, और बावजूद भी पटवारी है मोर नाम गलत कर दा रहे हैं। अपन मन जो चढ़ाए ऑनलाइन में अशोका देवी लिख दे बोला, मतलब मथुरा देवी चढ़ाए जाए करके एप्लीकेशन लगा चुके हैं, वो कलेक्टर सिर में लगाए हैं, पटवारी सिर गाँव में लगी सोमा लगाए हैं और तहसीलदार कर भी 2 बार गए रहें, तहसीलदार भी 2 बार साइन करके दे देंगे कि जो चढ़ाया जाए उसका ऑनलाइन सुधारा जाएगा, और बावजूद भी पटवारी है मोर कागजात ला सही नहीं सुधारा थे। आपके ऊपर आरोप है कि आप ऑनलाइन करने के लिए 30,000 रुपये का डिमांड कर रही हैं। बिल्कुल नहीं मांगी हूँ मैं, कागजात भले मंगाती हूँ पुराना। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने किसी मनोज चंद्रा को रखा हुआ है उसको उसके पास पैसा छोड़ दो, ये आरोप सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। इनका क्या दिक्कत है, ऑनलाइन क्यों हो रहा है? इनका दिक्कत यह है कि वर्तमान रिकॉर्ड में अशोका देवी लिखा हुआ है, ठीक है, और पुराना खसरा का नकल मेरे द्वारा पिछले 5-6 महीने पहले ही मंगा लिया गया था, लेकिन ये लोग लेकर नहीं आए थे, अभी लेकर आए हैं। तो उसमें विक्रेता का नाम नहीं लिखा है और ऐसे ही मतलब मेरे पास है मोबाइल में, निकाल के दिखा सकती हूँ। तो उसमें विक्रेता के नाम के बगल में दिखाना चाहिए था, लेकिन विक्रेता का नाम उस खसरे नंबर में है ही नहीं। सीतापुर के थाना ग्राम पंचायत ललितपुर के नोनिया टांगर में हत्या की नीयत से एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रार्थी जागेश्वर राम
ने सीतापुर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि उसके छोटे भाई को गांव के ही रंजीत ने चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। तो वहीं धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस इस मामले के फरार आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। घटना ग्राम लोनिया टांगर का है, उसमें जगेश्वर राम माझी जी का भाई बरन राम के यहाँ मजदूरी करने गया था, उसके साथ ही और थे 3-4 लोग। धान उनका ढुलाई उलाई हुआ, शाम को खाना पीना खाने का व्यवस्था था। उसी दौरान जो है तो भुवनेश्वर नागवंशी और क्या चल नाम है उसका, भुवनेश्वर नागवंशी और रंजीत बरगाह के बीच में कुछ कहाँ सुनी हो गया खाने पीने की बात को लेकर। उसी दौरान भुवनेश्वर माझी को भुवनेश्वर नागवंशी को रंजीत बरगाह ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। सीतापुर के सरगुजा में ग्राम पंचायत राजापुर के सरपंच और सचिव की ओर से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए पुराने भवन में कार्य किया जा रहा है और स्वामी आत्मानंद स्कूल में बाउंड्री वॉल में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 8.5 लाख रुपए है। वहीं बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य की लागत 18 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो वहीं राजापुर के सरपंच और सचिव भवन का कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है और आत्मानंद स्कूल में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। इन सभी बातों को लेकर राजापुर के ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। वहीं अनुभागीय अधिकारी राजापुर पहुंचे और उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिसके बाद निर्माण कार्य में अनियमितता मिलने के बाद अधिकारी ने भवन के कार्य में गति लाने और बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य को रोक कर फिर से कराने के आदेश दिए हैं। हाँ, बात तो एक्चुअली में सही है। क्या है कि देखिए, इसमें जो है 40-50 साल पहले का जो सोसाइटी बना हुआ था उसका छड़ का उपयोग 8 mm 10 mm जो भी रहा होगा, है ना, पुराना छड़ का उपयोग किया जा रहा है। और उसके बाद में जो बीम जो बनता है नीचे उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और पुराना छड़ 8 mm 10 mm का वो पुराना छड़ का उपयोग किया जा रहा है, मतलब गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। हाँ, ना पानी छिड़काव हो रहा है ना कुछ हो रहा है। कहने का मुताबिक सर क्या है, राउंडिंग में 12 mm का छड़ तक डालना चाहिए। अच्छा, है ना। तो इनके द्वारा कितना डाला गया? और जो जो कालम होता है उसमें भी 12 mm का छड़ डालते हैं सर हम। तो इनके द्वारा कितना डाला गया सर? मैं परीक्षा भी किया हूँ सर ये सब का, इसमें 12 mm का छड़ डालना चाहिए और इसमें डाले हैं 10 mm का छड़। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे मैं मतलब जो है दीवार टिकेगी नहीं? नहीं टिकेगी सर। मतलब सरपंच सचिव के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही लापरवाही है सर। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ